दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दौरान मृदा की गुणवत्ता के संबंध में कृषकों में जन जागरूकता फैलाने के कार्य किए जाते हैं। बुंदेलखंड अंचल के किशनगढ़ स्थित में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसान कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि टीकमगढ़ कलेक्टर अभिजीत अग्रवाल उपस्थित रहे। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के डीन अरुण कुमार सरावगी सहित कई कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। विशेषज्ञों ने मृदा के पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के प्रभावी उपाय किसानों को बताए। इस दौरान जिले के 300 से ज्यादा किसानों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। मृदा को कैसे देखना है और उसके क्या महत्वपूर्ण उसके गुण हैं और मिट्टी में कैसे हम उर्वरक क्षमता को बढ़ाएं और सही अमाउंट में फर्टिलाइजर डालें जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे और इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें जिससे कि किसानों को उतने ही अपने एकड़ में ज्यादा से ज्यादा आमदनी कैसे पैदा हो उसके बारे में यहाँ चर्चा। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि हर पंचायत में एक मिट्टी की एक पंचायत हो जिसमें इसके बारे में बात हो और मिट्टी के लिए एक एक मृदा सैनिक बनाने का एक कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे लिया है और इस पर हम लोग आगे काम करते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया और जिसमें कि हमारे दूर दराज से विभिन्न गांवों से करीब लगभग 300 किसान यहाँ पर आए हुए हैं और जिन्हों को सभी किसानों को विशेष तौर पर मिट्टी परीक्षण के बारे में और उससे उसके पश्चात उसमें होने वाले लाभ के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी और हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं तकनीकी तौर पर उनको सभी विषयों की जानकारी देंगे। विशेष तौर पर आज के वर्तमान में जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रवृत्ति है कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज हम उपयोग करेंगे तो हमारी उपज बहुत ज्यादा होगी, जबकि यह जो है कहीं भी किसी भी तौर पर सही नहीं है। इसलिए हमारा पूरे देश का और प्रदेश का यह उद्देश्य है कि आप जो भी उसकी क्षमता है मिट्टी की मृदा की उसको हम कैसे कायम रखें तो उसके लिए बहुत नितांत आवश्यक है कि उसकी मिट्टी परीक्षण किया जाए और उसकी जितनी भी आवश्यकता हो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की उतने ही फर्टिलाइजर उसमें दिया जाए जिससे कि उसकी जो गुणों की उपस्थिता है जो क्षमता है वो हमेशा कायम रहेगी और आपका खर्च भी कम आएगा और आमदनी भी अधिक होगी। मृदा स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि जो कि मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है जो अपने यूरिया डीपी की ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इसलिए उसको मिट्टी की जांच कराने से जो मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड होता है उसके अनुसार ही उतना ही यूरिया डीएपी डालें जो कि ज्यादा मात्रा में लिए नहीं हो जाए क्षारकीय राशि नहीं हो जाए इसलिए उसी के ऐसे उदाहरण चाहिए समानता के साथ जो अपना मिट्टी में जांच जैसे बच्चों को बीमार हो जाता है जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है उसी हिसाब से खाद डालना है। इसी से आगे के लिए अपनी खाद का कई कम उपयोग होगा और ज्यादा डालने से अपने खेत में एक रोटी खाना है 10 रोटी डालना है यूरिया की डालना है या फास्फोरस डाल ऐसा नहीं। मिट्टी की परीक्षण में जो स्वच्छ हेल्थ कार्ड के सही खाद डाले एक कलेक्टर महोदय ने भी बताया मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में और हमारे किसी वैज्ञानिकों ने भी बताया कि आप जो है लगातार डीएपी यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं पंजाब जैसी स्थिति बन जाए तो आप जो है उचित खाद डालें और अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करें ताकि आपकी मिट्टी स्वस्थ बनी रहे और आपको अधिक उपज मतलब कम लागत में अधिक उपज के प्राप्त हो और अपने अपने गांव में जो नाटक बनवाए ताकि आप लोग उसकी सुरक्षा करें तो सरकार आपको मदद देती है और यदि आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपको कूड़ादान बन जाएगा। आप बिल्कुल कराएंगे और कराई भी है हमने और अभी जो खेत बचे हैं शेष मैं उनका भी जांच कराऊंगा और अपने गांव के लोगों को भी उससे प्रोत्साहित करूंगा भैया आप लोग भी अपने खेतों की जांच कराएं।